दोस्तों देखिए, ये है हीरो की एचएफ डिलक्स बाइक है, BS6 मॉडल है और ये सेंसर वाली बाइक है जो BS6 मॉडल है। तो इसको इसमें जब प्रॉब्लम आता है तो बाइक ट्रेनिंग के लिए टूल चाहिए, तो इस तरह से मार्केट में टूल्स आता है। देखिए ये है OBD ELM 327। पहले जो ये प्रोडक्ट आता था वो सिंगल चिप में आता था, अब ये डबल चिप में हो गया। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये कनेक्ट नहीं होता और कनेक्शन में बहुत दिक्कत आती है, तो देखिए और कंपनी ने इसमें बहुत सारा सुधार किया है। देखिए ये डबल चिप लग गया और एक फास्ट कम्युनिकेशन हो गया है। तो बहुत सारे लोग पूछते थे कि टॉर्क एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है और क्या क्या होता है। अगर दोस्तों आप ये खरीदते हो तो देखिए यहाँ पीछे QR कोड दिया है, इसे स्कैन करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वरना मैं बताता हूँ, जो ये है मेरा मोबाइल, इसमें अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे, देखिए आप मेरी, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप मेरी वेबसाइट पे जाऊँगा तो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल के नीचे ये डाउनलोड का डाउनलोड APK लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है तो इस तरह से आ जाएगा। तो आप अपने ड्राइव में इस तरह से कर लेना, जिस भी ड्राइव में आपको चाहिए इस तरह से पैकेज इंस्टॉलर आएगा, फिर आपको ये इंस्टॉल पे देना है। अगर आप यही एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड करेंगे तो 250 रुपये का चार्ज लगेगा, जो ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल फ्री होगी। तो इस तरह से आपके मोबाइल में ये डाउनलोड हो जाएगा और इस तरह से ये ओपन भी हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहले इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये है डबल चिप वाला हमारा OBD 327 है। अगर आपको दोस्तों ये डायरेक्ट होलसेलर से चाहिए तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप उससे खरीद सकते हो ये केबल भी और दोनों चीज़ें ELM भी, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे। देखिए ये है हीरो का सिंबल और हमने हीरो के बाइक है तो ये लगाया ये यहाँ, और जो हमारा ELM है इसे हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ देखिए ये लग गया। अब हम बाइक की की ऑन करते हैं, देखिए इसमें बैटरी पावर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये है मेरा फ़ोन, इसमें हम टॉर्क एप्लीकेशन जो इंस्टॉल किया है उसे ओपन करते हैं। देखिए ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब हम पहले दोस्तों आपको ब्लूटूथ को ऑन करना है इस तरह से, फिर ब्लूटूथ को कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ इस तरह से OBD2 आ रहा है, तो इस तरह से आप करेंगे तो देखिए यहाँ आपको 1, 2, 3 और 4 ऐसे लिख देना है और अलाउ टू इस तरह से दे देना है। तो देखिए ये हमारा कनेक्ट हो गया। दोस्तों फिर जाना है आपको एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको ये देखिए ये है फास्ट कम्युनिकेशन, इसको आपको टिक मार्क कर देना है, ऐसे अनटिक होगा, आपको टिक मार्क कर देना है फास्ट कम्युनिकेशन, ये फंक्शन इसमें ऐड हो चुका है। देखिए अब हम OBD स्टेटस चेक करते हैं। देखिए हमने ब्लूटूथ कनेक्ट किया था वो है, और ये देखिए इश्यू से भी कनेक्ट हो चुका है, और इसमें देखिए तीनों की तीनों लाइट जल रही है, रेड येलो और ब्लू तीनों के तीनों लाइट जल रही है और ये हमारा कम्युनिकेशन हो चुका है कंप्लीट। अब हम बाइक स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, पर हमने यहाँ फॉल्ट लगाया है। देखिए ये इसका कपलर हटा दिया है, थ्रोट टेम्परेचर सेंसर का,
तो पहले बाइक स्टार्ट करते हैं हम। देखिए ये हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है, अब हम जाएंगे फोल्ड कोड में और सर्च फोल्ड करेंगे, देखते हैं क्या बताता है, कैसा रिजल्ट आता है इसका। ये जो इसे 100% हमें होने देना है, इससे पहले आपको मोबाइल का बैक बटन नहीं दबाना है। देखिए इसने फोल्ड दिखाया है P0198, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर आई, यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर में प्रॉब्लम है, ये तो इसने कंफर्म कर दिया। और फास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है इसमें, तो जो पहले आता था उसके मुकाबले ये काफ़ी अच्छा है। तो अब इसे हम इरेज करने वाले हैं, तो पहले तो हम बाइक बंद कर लेते हैं, जो कपलर हमने हटाया है वो फिटिंग कर लेते हैं, फिर इसको इरेज करेंगे। इसे इरेज करने के लिए यहाँ जाएंगे वेब लुकअप। अगर आपको जानना है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है तो ये वेबसाइट की मदद से आपको बता देगा। क्लियर फोल्ड ऑन इश्यू, देखिए यहाँ 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है और फर्स्ट ऑप्शन है क्लियर फोल्ड एंड इश्यू, तो इस पर क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ ओके देंगे, ओके दिया और देखिए ये फोल्ड को इरेज कर रहा है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, देखिए फोल्ड लॉन्ग मैनेजर कुछ नहीं आ रहा। अब हम बाहर बैक आते हैं, फिर से हम फोल्ड कोड पे सर्च करेंगे तो क्या बताता है देखते हैं, और हम हमारी माल फंक्शन लाइट भी पहले देख लेते हैं। देखिए इसे 100% होने देते हैं, इसे यहाँ रखते हैं, अभी माल फंक्शन लाइट जल रही है, बाइक स्टार्ट किया, देखिए ये माल फंक्शन लाइट जलेगी और इसमें दोबारा फोल्ड कोड नहीं आएगा। देखिए 100% होने देते हैं, देखिए इसमें अभी कोई फॉल्ट नहीं है। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।